नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीख रहे हैं एडवांस एक्सेल मेरे साथ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज एक मजेदार टॉपिक के ऊपर। जी हां, एक मजेदार टॉपिक के ऊपर आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे इस कोर्स के अंदर में। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास हमेशा कॉल आता है डुप्लीकेट से रिलेटेड, कि सर में डुप्लीकेट हमारे रिमूव करना है, चाहे डुप्लीकेट इंट्री करना है। तो सिंपल कि अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पे डेटा के अंदर में कुछ नेम मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने पुनीत लिख दिया, और देखिए हम ड्रैग करेंगे पूरा नाम आ जाएगा एक साथ, क्योंकि मैंने इसको कस्टम फॉर्मेटिंग में ऐड कर रखा है। बहुत सारे लोग बोलते बोलते सर कैसे आ जाता है आपका, तो ये बस कस्टम फॉर्मेटिंग का कमाल है, कस्टम लिस्ट का सॉरी। तो जैसे कि अब इसमें से मुझे सिर्फ यूनिक नाम ही निकालने हैं, यूनिक नाम ही निकालने, या जो डुप्लीकेट कौन कौन है ये पता करना है। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे कि हम इस पे हाईलाइट में डुप्लीकेट वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, डुप्लीकेट पता चल जाएगा। या फिर अगर मैं मुझे सिर्फ डुप्लीकेट ही रखना है, डुप्लीकेट को मैंने फिल्टर करके निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एडवांस फिल्टर होता है। एडवांस फिल्टर लगाइए, ओके कीजिए, यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड ओनली कर लीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा, सिर्फ यूनिक का लिस्ट आ जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे डुप्लीकेट नहीं, बाकी को हटा देना, डुप्लीकेट ही रखना है, तो इसको कॉपी करके मैं अलग जगह करता हूँ। यहीं पे देखिए रिमूव डुप्लीकेट है, डेटा मेनू बार के अंदर में आप जाएंगे तो रिमूव डुप्लीकेट मिलेगा, तो आपका बाकी डुप्लीकेट रिमूव कर देगा। या फिर दूसरा तरीका है कि मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट करना, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कलर हमने हाईलाइट की थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हमने हाईलाइट डुप्लीकेट कर दिया था। तो इसमें क्या है कि अब दोनों नाम हाईलाइटेड हो रहा है, मैं चाहता हूं कि पुनीत जो पहला है, पुनीत पहला वो डिफरेंट कलर से हो, और बाकी के जो पुनीत है वो डिफरेंट कलर से हो, ताकि हम कलर बाय फिल्टर लगा के और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद डिलीट भी जो भी करना हम करें। तो ये चीजें है तो बड़ी मजेदार, लेकिन थोड़ी सी लेंथी है, देखिए कैसे होगा। तो एक काउंट इफ का फॉर्मूला होता है, काउंट इफ का फॉर्मूला इसलिए करता है क्या है कि इस पूरे रेंज में एक काउंट करके बताएगा कि पुनीत कितना बार है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम एक तरीका देंगे कि काउंट इफ मैंने बोल दिया बी ए टू से ए टू कॉमा ए टू, और फिर हम फर्स्ट ए टू को फ्रीज कर देते हैं डॉलर लगा के एफ फोर से, और फिर नीचे ड्रैग करेंगे तो पहले वाली पुनीत को एक दिया और दूसरी पुनीत को टू दिया। अब सेम कंसेप्ट हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मूला में लगा देंगे। न्यू रूल्स पे जाते हैं, यूज फॉर्मूला, और देखिए यहां पे काउंट इफ, और यहां पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया ए टू से ए टू कॉमा ए टू। अब इसके डॉलर पार्ट को हटा देते ताकि नीचे ड्रैग करेंगे तो ड्रैग होगा, लेकिन पहले बाई डॉलर पार्ट को नहीं हटाएंगे। अब इसको कॉपी भी कर देते हैं कि अगर ए इक्वल टू वन है तो ग्रीन कलर ला लो, और ओके कर दिया। और एक बार और करते हैं, इसमें सेम लगाते हैं यूज फॉर्मूला, और सेम चीज हमने कॉपी कर रखा है, हमने पेस्ट कर दिया, इज ग्रेटर देन वन तो रेड कलर, रेड कलर कर दिया एंड ओके देन ओके। अब इसको उठाते हैं और नीचे की तरफ हम पेस्ट कर देते हैं, तो ये जितना रेड है ये डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। ये चीज तो हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार इतना लफड़ा करूं क्यों, मैं सिंपल चाहता हूं कि मेरा कॉलम ई में अकाउंट नंबर है, कोई भी पर्सन इसको डुप्लीकेट एंट्री ना कर सके, एनीबॉडी नॉट एंटर द डुप्लीकेट वैल्यू इन दिस कॉलम ई।
तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल करेंगे। डेटा वैलिडेशन में भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कहां पे? कस्टम पे। और हम यहां पर देंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट में हमने कॉलन ई ले लिया और हमने यहां पे ई टू ले लिया और बोला कि इक्वल टू वन, मतलब कि उसी एंट्री को ले जिसका काउंट एक है, मतलब कि सिर्फ एक बार आ रखा है। और आप इन इसमें अलर्ट में डाल दीजिए स्टॉप, यहां पे लिख दीजिए डुप्लीकेट, यहां पे लिख दीजिए कि डू नॉट एंटर डुप्लीकेट्स अकाउंट एंड ओके। अब इसको कॉपी करते हैं और जहां तक आप टाइप करोगे वहां तक पेस्ट स्पेशल, इसमें आपके पास आता है पेस्ट वैलिडेशन कर दीजिए देन ओके। अब देखिए यहां पे नंबर वन इधर एक्सेप्टेबल, लेकिन इसके नीचे कहीं भी हम नंबर वन देंगे तो डुप्लीकेट्स डू नॉट एंटर डुप्लीकेट अकाउंट, तो बाकी डुप्लीकेट फाइंड आउट करने का झमेला ही खत्म कर दिया। तो इस तरह की वैलिडेशन लगा सकते हो। तो इसी तरह हमारे इस चैनल को देखते रहिए, इसी तरह चैनल पे हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक अपना प्यार अपना सपोर्ट लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे देते रहिए। लेकिन आप YouTube से देख के मेरे चाहे किसी की वीडियो देख के आप एक्सेल एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदी में एक सही कहावत है कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं एक्सेल में एक्सपर्ट बनना तो आप हमारे साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है डायरेक्ट मेरे साथ, और पहले हम तीन चार डेमो देते हैं, तो तीन चार डेमो लीजिए। तीन चार डेमो अगर आपको अच्छा लगता है उसके बाद आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी एक डेमो क्लास आप जरूर लें। तो डेमो क्लास के लिए क्या करेंगे कि सीधे मेरे वेबसाइट iptindia.com लॉग इन करेंगे, iptindia.com। जैसे आप iptindia.com लॉग इन करेंगे आपका सबसे पहला ऊपर बटन आएगा डेमो क्लास, क्लिक कीजिए और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, इसको इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए। इन डिटेल्स मेरे पास आ जाएगा और डेट एंड टाइम जो आपने मेंशन किया उस डेट एंड टाइम पे एक गो टू मीटिंग का मेल आएगा, मेल पे क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए। आप अपने सेलफोन से ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने टैबलेट से ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप एंड डेस्कटॉप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिस से कर लीजिए या फिर घर से कर लीजिए, सुबह 5 से लेके रात के 11 बजे तक। बाकी डिटेल्स कोर्स वगैरह जानना है तो आप यहाँ मेरी कोर्स आउटलाइंस पे जाके इसके डिटेल्स को देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं आपको एक अच्छी नॉलेज दे रहा हूं, तो प्लीज मेरी एक डेमो क्लासेस लें, क्योंकि एक्सेल में बहुत फ्यूचर है, क्योंकि एक्सेल के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।